हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। गले में क्या हो रहा है यार? अभी सो के उठी हूँ और ब्रश कर लिया है मैंने। जा रही हूँ मैं हॉट वाटर विथ लेमन लेने के लिए। आज से स्टार्ट कर रही हूँ, काफ़ी दिनों से मैंने छोड़ दिया था। कुछ मेडिसिन भी ले रही थी मैं, वो भी मैंने छोड़ दिया था। मुझे बॉडी हीटिंग की प्रॉब्लम है, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट रहती है, तो उसके लिए मैं कुछ मेडिसिन ले रही हूँ जो मैं मुन्नार से लेके आई थी। मुन्नार वगैरह की वीडियो मैंने आपके साथ नहीं शेयर की हुई है, जल्दी ही शेयर करूंगी, क्योंकि वो वीडियो ना मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है, मैंने ईच एंड एवरी डिटेल को रिकॉर्ड किया हुआ है। लाइक कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया है। वीडियो में मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखूंगी, बट बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिल जाएगी मुन्नार, कोच्ची, केरला, इसके बारे में। तो इसलिए मैं वो वीडियो ना, बहुत लंबी वीडियो है तो एडिट करने में बहुत टाइम जाएगा, इसलिए अभी तक मैं टाइम ले रही हूँ। बट नाउ अब मैं उस वीडियो पे काम करना स्टार्ट करूँगी और आपको सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। मेडिसिन के बारे में भी मैं आपको बताऊँगी जल्दी ही। आज की जो वीडियो है वो हस्बैंड को मैंने क्या क्या गिफ्ट दिया है उसके बारे में है, और आपसे बहुत सारी बातें भी करनी है। मुझे कुछ कुछ ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। रियली में गाइस, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। तो अभी मैं आपसे बात करूंगी, आपको सारे गिफ्ट्स भी दिखाऊंगी। सो प्लीज़ गुस्सा मत होना, मैं वीडियो जहाँ तक हो सके मैं कोशिश करूंगी कि वीक में एक या दो वीडियो ज़रूर से ज़रूर डाल दूँ, क्योंकि आप में से बहुत से लोग हैं जिनको मेरी वीडियो देखना बहुत ही पसंद है। तो मैं ज़रूर से ज़रूर आपके लिए एक या दो वीडियो ज़रूर डाल दूंगी। मतलब ऐसी वीडियो मैं बनाना चाहती हूँ जिससे आपको कुछ नॉलेज मिले, जो कुछ इन्फॉर्मेटिव हो, जिससे आप थोड़ा हंसो। ऐसी वीडियो मैं रेगुलर लाइफ की वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ। जस्ट और क्या हुआ मेरे साथ में, मतलब जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था ना बनाना, ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी मैंने, तब मैं वीक में कम से कम 2 से 3 वीडियो डालती थी। तीज की जो मेरी वीडियो थी वो लास्ट वीडियो थी, उससे पहले आप देखोगे तो मैं मतलब रेगुलर वीडियो डाल रही थी। पर बीच में क्या हुआ, क्यों मैंने ब्लॉगिंग बंद कर दी, वो सारी चीज़ें भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो विदाउट स्किप के इस वीडियो को देखिएगा यदि आप जानना चाहते हो कि मेरी लाइफ में क्या क्या हो रहा था जो मैं वीडियो नहीं बना रही थी। अभी मैं फटाफट से थोड़े गर्म पानी और चाय भी पीने का मन हो रहा है यार। मैं सोचती हूँ ना, चाय पीना छोड़ दूंगी तो मेरा वज़न ऐसे ही कम होने लगेगा, बट चाय पीना छोड़ना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब सुबह और शाम की चाय ऐसी है ना जो अपनी तरफ खींचता है मुझे, और अभी अगर मैं चाय नहीं पीऊँगी तो 1 घंटे के बाद मेरे सर में ऐसा दर्द होगा जो कि 3 से 4 घंटे जाने वाला नहीं है। इसलिए थोड़ी सी चाय पीनी तो बनती है। नारियल पानी वगैरह सब कुछ खत्म हो चुका है, मैंने मंगाए थे बिग बास्केट से, टेस्टी था यार। मैं नारियल पानी पीती नहीं थी पता है, लेकिन मैं अभी सोच रही हूँ पीने का, क्योंकि वही बॉडी हीटिंग प्रॉब्लम, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट रहती है जिसकी वजह से मुझे किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं भी नारियल पानी पीना स्टार्ट कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ डेली नारियल पानी पीऊँ ताकि मेरी बॉडी की जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो सके। तो थोड़ी देर में मिलती हूँ। आज मैंने पूरे ऑयलिंग की हुई है, आप देख सकते हो पूरे ऑयल लगाई हुई है मैंने, तो शैम्पू भी करनी है आज, एंड उसके बाद आपसे करेंगे खूब सारी बातें और मैं शेयर करूँगी आपसे कि मैंने क्या क्या चीज़ें परचेस की हैं। सो गाइस, आ गई हूँ मैं अभी आपके सामने लेकर के गिफ्ट हॉल। जी हाँ, गिफ्ट हॉल ही बोल सकते हैं इसे, क्योंकि मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड को इस बार गिफ्ट में क्या क्या दिए हैं। और ऐसे जो मेरे हस्बैंड जी हैं ना, उनको तो कुछ भी लेने से मतलब ही नहीं हो, कुछ भी अपने लिए कुछ भी परचेस नहीं करते, उनके पास कुछ हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, कितने अच्छे इंसान है ना। बट इसकी वजह से मुझे उनकी सारी शॉपिंग करनी होती है, तो जब भी सेल का टाइम होता है उनके ऑफिस वेयर के क्लोथ, डेली क्लोथ्स जो भी होते हैं वो मैं सारे परचेस करके रख लेती हूँ, और मतलब मंगाती हूँ कुछ अपने चॉइस से, उसके बाद जो उन्हें उनमें से अच्छा लगता है वो रखते हैं, बाकी रिटर्न कर देते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊँ, इधर सारे आइटम है, आप देख सकते हो, फर्स्ट टाइम मैं दिखा रही हूँ ना कि अपने हस्बैंड के लिए मैंने क्या क्या लिया है। तो इससे पहले कि ये सारी चीज़ें दिखाऊँ, मैं आपको वो दिखाती हूँ कि जो मेरे हस्बैंड ने खुद को गिफ्ट दिया है, मतलब अपने लिए कुछ लिया है। तो चलिए सबसे पहले मैं वो आपको दिखाती हूँ, उसके बाद दिखाऊँगी कि मैंने उनके लिए क्या क्या लिया है, ठीक है? चलिए दिखाती हूँ। तो दिखाती हूँ और बताती हूँ, क्योंकि वो मेरे अपोजिट साइड में रखा हुआ है। तो हमने लिया है एक न्यू LED TV, और उनको बहुत टाइम से मन था और वो बहुत टाइम से बोले थे नहीं मुझे TV लेना है। तो हमने लिया है एक न्यू LED TV, वो मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए। सो गाइस, ये TV लिया है हमने, और ये हमने लिया था 25 जनवरी को ही, मतलब 26 जनवरी में जो ऑफर चल रही थी ना रिपब्लिक डे में। तो कोयम्बटूर में ही क्रोमा एक नया सेंटर खुला है अविनाशी रोड में, तो वहाँ से हमने ये TV लिया है। ये सोनी की 4K TV है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे मॉडल नंबर।
काफ़ी बड़े साइज़ की टीवी है ये, तो ये मेरे हस्बैंड ने लिया है खुद के लिए इस बार अपने बर्थडे में, उन्होंने खुद को गिफ्ट दिया है ये टीवी। सो जो टीवी आपने देखा वो लिया है उन्होंने अपने बर्थडे पे खुद के लिए गिफ्ट, और वो जब भी अब ऑफिस से आते हैं बस यहाँ पे बैठ जाते हैं, उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे यहीं बैठे रहते हैं एंड बिग बैंग थ्योरी देखते रहते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि जो भी टाइम वो ऑफिस आने के बाद मेरे साथ स्पेंड करते थे वो टीवी के साथ स्पेंड करते हैं। सो मैंने सोचा था ठीक है टीवी ले रहे हैं तो कभी कभी मूवी देखेंगे साथ में, बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम में देख लेंगे, बट वो तो टीवी से ही चिपके रहते हैं। कोई नहीं, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने उनके लिए क्या क्या गिफ्ट लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो हमने साथ में जा कर के लिए हैं, और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि मैंने अपना जो यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन है वो उनको गिफ्ट में दिया है। ऐसे गिफ्ट में क्या दिया है वो तो रहेगा हमारे घर पे ही, बट एक जो फीलिंग होती है ना कि हाँ अगर मुझे ये मिला है तो वो तुम्हारी वजह से मिला है, एंड उसकी वजह से इसलिए, उनकी वजह से इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनकी वजह से ही मैं सब कुछ कर पाई, और सेकंड आप लोगों की वजह से मिला है क्योंकि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, तभी जा करके मुझे ये यूट्यूब से सिल्वर प्ले बटन का अवार्ड मिला है। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो 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 मच। तो जो भी हुआ है आप दोनों के वजह से ही हुआ है, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और मेरे हस्बैंड ने बहुत सारा सपोर्ट किया है, इसकी वजह से मुझे ये सिल्वर प्ले बटन मिला है, तो वो मैंने उनको डेडिकेट किया है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया था, सबसे पहले हम गए थे रिलायंस गए थे, पर रिलायंस में ज़्यादा ऑफर नहीं थी रिलायंस फुटप्रिंट में, तो हम गए थे स्केचर्स, ये आप देख सकते हो, एंड देश को बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा खेलते कूदते लाइक क्रिकेट बास्केटबॉल ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उनको इंटरेस्ट है, कितना भी थक जाए वो मतलब उनको खेलने के लिए बस बोल दो तो दौड़ के चले जाएंगे, ऐसे हैं वो, तो उनको स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनको डांस में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, ये दो चीज़ में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, शॉपिंग वॉपिंग में तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो थके भी रहे ना तो उनको या तो आप बोल दो बास्केटबॉल या फिर क्रिकेट खेलें या फिर डांस कर लें, वो बस रेडी हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो जब ऑफिस से आते हैं ना तो अगर कुछ नहीं किया है दिन भर तो 12 फ्लोर तक सीढ़ियों से आते हैं, सो मतलब वो मतलब क्या है ना कि ऐसे बहुत ज़्यादा खाते नहीं हैं, बहुत हेल्दी भी नहीं है, लेकिन जस्ट ऑफिस में 10 घंटे 8 घंटे 10 घंटे बैठे 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 खाओ बैठो उसकी वजह से किसी का भी पेट निकल आता है, तो बस उनका जो पेट निकल आ रहा है तो बस उसकी वजह से वो बहुत उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम है, इसलिए वो आते हैं सीढ़ियों से चढ़ के ताकि थोड़ा कुछ हेल्थ पे असर पड़े और उनका पेट अंदर जाए, और इसी की वजह से वो जिम भी जाते हैं, जिम में भी खूब पसीना बहाते हैं, तो उसी के लिए उन्होंने एक शूज़ लिया है, ये हमने स्केचर्स से लिया है, और उस मतलब लास्ट वही सेम, और वो दिन मतलब वो डे लास्ट था ऑफ़र का, तो वहाँ पे ऑफ़र चल रही थी, इसमें सिर्फ 25% ही ऑफ था, तो हमने लिया है ये वाले शूज़, ये देख सकते हो, तो हमने ये वाले शूज़ को लिया है, ये वो पहन भी चुके हैं एक्चुअली में, और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ही कंफर्टेबल है, और मैं भी सोच रही हूँ ऑनलाइन मुझे अगर कुछ अच्छे डिस्काउंट मिल जाए, क्योंकि ये एजियो में अवेलेबल है, मैं लिंक दे दूँगी आपको, आप जाकर चेक कर सकते हो, आप अपने लिए अपने हस्बैंड के लिए अपने ब्रदर के लिए किसी के लिए भी ले सकते हो, ये वाले तो बॉयज़ के लिए है बट वुमेन के लिए भी अलग इसी मतलब सेम मॉडल डिफरेंट डिज़ाइन में वुमेंस के लिए भी है, तो ये वाले शूज़ लिए हैं, ये पहन चुके हैं वो, बस मैं अभी दिखाने के लिए लेकर के आई थी, तो मैं आपको इसका मॉडल नंबर भी बता देती हूँ, ये है स्केचर्स की गो रन 7, और इसमें 3 कलर्स आते हैं, एक बहुत ही अजीब टाइप की ब्लू कलर, ये है डार्क ब्लू कलर एंड एक ब्लैक कलर, तो ब्लैक में भी साइजेस अवेलेबल नहीं थे, ओनली 1 आइटम लेफ्ट थी इस डिस्काउंट प्राइस में, तो फर्स्ट जो आइटम है गाइस ये है, आप देख सकते बहुत ही कंफर्टेबल शूज़ है, ऐसा लगता है कि आप जैसे कि हवा में चल रहे हो, मतलब आप पैरों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है, दौड़ने के लिए जिमिंग के लिए स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी अच्छी है, तो हाँ ये है फर्स्ट आइटम जो उन्होंने लिया है। सेकंड हम गए उसके बाद, ये देख सकते हो आप, ये एरो गए, एरो जो भी है, यहाँ से उन्होंने लिया है एक ब्लेज़र, ये न्यू कलेक्शन में थी तो उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला उन्होंने ब्लेजर लिया है, ये देख सकते हैं,
ऐसे आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन पहनने पे बहुत ही स्मार्ट लुक आ रहा था इस पहनने पे, तो उनको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो ये है सेकंड आइटम जो हमने लिया है एरो से। बहुत डिफरेंट सी कलर है, लाइक ग्रे स्काई कलर, स्काई ब्लू कलर मिक्स, इस टाइप से इसकी कलर है एंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये है सेकंड आइटम। उसके बाद हम कहाँ गए थे, उसके बाद हम गए थे, अच्छा हाँ, मुझे ये आइटम फ्री में मिली है, जहाँ से हमने टीवी लिया ना क्रोमा से, तो वहाँ पे मुझे 2500 रुपीज़, 2500 रुपये का एक कूपन मिला था, तो उससे मैं कोई भी आइटम परचेज कर सकती थी। तो मैंने सोचा कि मैं ये फाइव इन वन किट ले लेती हूँ हेवल्स की, तो मैं इसे ट्राई करूँगी, मुझे अच्छी लगेगी तो मैं अपने चैनल पर रिव्यू इसके शेयर करूँगी जल्दी ही। तो ये मुझे गिफ्ट में मतलब फ्री में मिल गया। उसके बाद हम गए थे इंडिगो नेशन, ये आप देख सकते हो। यहाँ से हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, बस दो टी शर्ट लिए हैं, और एक तो वो ऑलरेडी पहन चुके हैं अपने बर्थडे के एक दिन पहले ही, अपने बर्थडे के दिन भी वो इसी को पहने हुए थे। तो ये वाले टी शर्ट है फर्स्ट ब्लैक कलर में, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, काफ़ी अच्छी है और उन पर काफ़ी अच्छी भी लग रही थी, कंफर्टेबल भी है। फर्स्ट तो ये है ब्लैक वाली, और इसमें भी लास्ट है ऑफर थी, सो बाय वन गेट वन में हमें काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल गया 50% ऑफ। तो ये ब्लैक कलर में एक लिया है, और एक ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये कलर, ग्रीनिश डिफरेंट टाइप की ग्रीन कलर में है ये देख सकते हो। इसकी भी फैब्रिक जो है बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही ब्रीदेबल है, तो यहाँ के वेदर के लिए काफ़ी अच्छी है। सो ये लिया है उन्होंने, आप देख सकते हो। और इसमें एक मस्टर्ड कलर भी थी, बहुत ही लाइट मस्टर्ड कलर, जो मुझे बहुत पसंद आ रही थी, बट लड़कों को शायद नहीं पसंद आती है तो उन्होंने नहीं लिया। तो ये दो टी शर्ट्स लिए हैं हमने। अब उसके बाद हम गए थे लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल में मतलब सब जगह सेल नहीं चल रही थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो स्पोर्ट्स पर्सन है, मतलब बहुत ज़्यादा खेल कूद करते रहते हैं और दौड़ना जिमिंग करना, तो कुछ उन्होंने शॉर्ट्स ली, एक इन्होंने शॉर्ट्स लिया है, ये आप देख सकते हो, ये वाली, ये कप्पा ब्रांड की है, वहाँ पे कोई भी डिस्काउंट नहीं था, तो मैंने सोचा ठीक है ले लो, और हम दोनों के फ़ोन ऑफ हो चुके थे तो मैं ऑनलाइन प्राइस चेक भी नहीं कर सकती थी। तो एक उन्होंने वहाँ से ये ले लिया, क्योंकि उनको चाहिए थी ये लाइक गेम वगैरह के लिए, मतलब रनिंग करने के लिए, जिमिंग करने के लिए चाहिए, तो ये लिया उन्होंने। और जब मैंने ऑनलाइन आकर के देखा ना घर, तो उसमें 50% ऑफ थी, प्लस 20% का कूपन कोड था लाइफस्टाइल में, तो फिर मैंने लाइफस्टाइल से ये स्विमिंग के लिए मंगाया उनके लिए, वो स्विमिंग भी करते हैं, तो स्विमिंग के लिए ये एक मंगाया, स्विमिंग के लिए शॉर्ट्स है ये, और सेकंड मैंने उनके लिए ये क्या बोलते इसे, ट्राउज़र ही बोलते हैं ना यार, और नेक्स्ट मैंने ये मंगाया उनके लिए ट्रैक पैंट। तो ये दो आइटम मैंने उनके लिए मंगवाए हैं। और प्रगति जी देखिए, मैंने आपके लिए वीडियो को मतलब आपने बोला था ना कि वन मंथ वेट मत कराना, मैं सिर्फ 2 डेज़ में आपके लिए वीडियो शूट कर रही हूँ, और मे भी कल तक अपलोड भी कर दूँ। तो ये हो गए मेरे हस्बैंड के आइटम्स, मेरे कहाँ गए यार, ओके। और मैंने अपने लिए भी कुछ लाइफस्टाइल से मंगवाया है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मतलब मैं भी सोच रही हूँ अब एक्सरसाइज करने का और जिम जाने का, जिम तो नीचे ही है फिर भी मैं नहीं जाती हूँ, और योगा करने का, तो उसके लिए मैंने अपने लिए भी कुछ चीज़ें ले ली, क्योंकि बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिल रही थी। तो सबसे पहले मैंने भी ये एक योगा पैंट या फिर ट्रैक पैंट आप बोल सकते हो, योगा पैंट लिया है मैंने, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है ये, आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, तो योगा वगैरह करने के लिए बहुत ही सही है। तो ये मैंने लिया है, इसकी प्राइस मैं बता देती हूँ, 149 रुपीज़, मतलब 1049 रुपीज़, 50% ऑफ थी, प्लस कूपन कोड मिला के 400 रुपीज़ में मिल गई मुझे। नेक्स्ट मैंने अपने लिए एक टी शर्ट लिया है, इसकी भी प्राइस है 800 रुपीज़, इसमें भी 50% या 60% ऑफ थी, तो 300 के आसपास में मिल गई है, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, बहुत ही ब्रीदेबल है, ये भी पॉलिस्टर है। तो ये दोनों मैंने अपने लिए लिए हैं, और मैंने एक टी शर्ट लिया है मस्टर्ड कलर में, ये क्रॉप टी शर्ट है, ये मैंने लाइफस्टाइल में ही देखा था, इसमें कोई भी ऑफ नहीं थी वहाँ पे, मतलब 800 रुपीज़ पे करने पड़ रहे थे, तो मैंने उस टाइम पे तो वो नहीं लिया, मैंने यहाँ पे ऑनलाइन देखा, तो इसकी प्राइस है 800 रुपीज़,
तो ये मुझे 320 रुपीज़ में मिल गई है आफ्टर 50% ऑफ एंड कूपन कोड अप्लाई करने के बाद ये मुझे 320 रुपीज़ में मिल गई। तो ये मैंने लिया था अपने लिए, लिंक मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेक कर सकते हो। अब फाइनल गिफ्ट जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए सरप्राइज गिफ्ट लिया था वो मैंने कहाँ से लिया था, मैं कुछ भी रिकॉर्ड तो कर नहीं पाई तो मैं आपको अभी दिखा दे रही हूँ। सो वो मैंने लिया था तनिष्क से। सो तनिष्क जा करके मैंने उनके लिए लिया है एक फिंगर रिंग, जो कि अभी मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी वो नहीं है, सिर्फ उसकी डिब्बी है क्योंकि उन्होंने पहना हुआ है। और आज जब वो आएंगी उस टाइम पे मैं फ़ोटो ले लूँगी या रिकॉर्ड कर लूँगी और कल ये वीडियो डाल दूँगी और आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें अपने हस्बैंड को गिफ्ट में दी हैं। और जैसे कि मैंने बताया आपको, वो कभी भी अपने लिए कोई भी शॉपिंग नहीं करते हैं। और 25 को मैं जाने वाली थी उनके लिए शॉपिंग करने के लिए, ये सारी चीज़ें मैं अकेले ही करने वाली थी, लेकिन उस दिन उनका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था तो वो छुट्टी ली तो वो ऑफिस नहीं गए। और मुझे पता था कि ये सेल का लास्ट डे है और संडे को ऐसे भी वो ऑफिस नहीं जाने वाले थे, मतलब सिर्फ वो झंडा फहरा करके आने वाले थे, तो इसलिए मैं सैटरडे को जाने वाली थी और सैटरडे को वो ऑफिस नहीं गए। तो अब मुझे लगा मैं क्या करूँ, मतलब मुझे शॉपिंग करने जाना है, मॉल लेके जाऊँ। तो फिर हम लोग गए और अच्छा भी लगा, फर्स्ट टाइम ऐसा था कि हम लोग साथ में मॉल में घूम के शॉपिंग कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने कभी भी शॉपिंग नहीं की है, मतलब लिटरली कभी नहीं। कभी कुछ लेना हुआ तो गए बिग बाज़ार या फिर रिलायंस, वहाँ से जो लेना हुआ लेकर के फटाफट आ गए, बस यही हुआ है। कभी भी ऐसे घूम करके पसंद करके वैसे शॉपिंग नहीं की है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने उनके लिए ये सारी चीज़ें की फर्स्ट टाइम, क्योंकि लास्ट बर्थडे में उस टाइम पर मुझे यूट्यूब से कोई पेमेंट नहीं आती थी, मतलब आने स्टार्ट हो गई थी बट मेरे बैंक में नहीं आ रही थी, मैंने वेरिफिकेशन वगैरह बहुत टाइम बाद किया था। तो मुझे फरवरी में ही पेमेंट आई थी लेकिन लास्ट फरवरी में आई थी, स्टार्टिंग में नहीं आई थी। और ये उनका बर्थडे स्टार्टिंग में ही होता है तो इसलिए मैं उस टाइम पे उन्हें कुछ गिफ्ट ऐसे मैं उन्हें ऐसे उनको मैं हर बर्थडे में गिफ्ट देती हूँ बट उनके खुद के पैसे से देती थी। इस टाइम फर्स्ट टाइम मैंने ये सारी चीज़ें उनके लिए की हैं अपने पैसों से, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, रियली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो बस यही थी गाइज, ये सारे आइटम लिए थे हमने, सो ये सारे आइटम लिए थे हमने। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप भी अपने हस्बैंड को इस तरह से सरप्राइज देना चाहते हो तो ज़रूर कर सकते हो। सो बस यही थी आज की मेरी वीडियो। नेक्स्ट मैं आपके साथ जल्दी ही ब्लॉग शेयर करूँगी, केरला के सारे ब्लॉग शूट किए हुए हैं, बस उन्हें एडिट करना है और डालना है। तो ब्लॉग वीडियोज़ केरला वाले मैं थोड़ी इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहती हूँ जिससे कि लोगों को वहाँ जाने में हेल्प हो जाए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं इतना टाइम दे रही हूँ। बट अब उस पर काम करना स्टार्ट करूँगी। और इतने टाइम से मेरे ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे, मैं क्यों नहीं ब्लॉगिंग कर रही थी, मुझे काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि आपका चैनल क्यों सब्सक्राइब किया हुआ, आप तो वीडियो ही नहीं डालते हो, फिर हम अपनी लिस्ट में आपको क्यों शामिल करें इस तरह से। तो अगस्त सितंबर तक मैं हमें मतलब रेगुलर ब्लॉग डाल रही थी, नहीं भी तो वीक में एक या दो वीडियो तो ज़रूर डालती थी। बट आफ्टर सितंबर मतलब तीज के ब्लॉग के बाद मेरी कोई भी वीडियो नहीं आई थी क्योंकि अचानक से मेरी मतलब दादी बहुत ही बीमार थी और फिर अचानक से 11 सितंबर को वो नहीं रही हमारे बीच। तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड को छुट्टी भी नहीं थी, कुछ काम चल रहा था ऑफिस में, वो नहीं जा सकते थे और मैं कैसे जाऊँ मैं कैसे पहुँचूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि अचानक से पता चला। और यहाँ से कोई डायरेक्ट फ्लाइट थी नहीं, जो भी सेम डे की फ़्लाइट थी वो लाइक मुझे रात भर एयरपोर्ट में रुकना पड़ता बेंगलोर एयरपोर्ट में या फिर दिल्ली एयरपोर्ट में, उसके बाद फिर दिल्ली से रांची की फ़्लाइट थी तो इसलिए मैं नहीं जा पा रही थी। फिर मैंने देखा कि फिर मेरी बुआ उस टाइम बेंगलोर में ही थी तो उनको भी जाना था तो उन्होंने सुबह 7 बजे की फ़्लाइट ली। अब मुझे ये टेंशन हो गई थी कि 7 बजे की फ़्लाइट तो है लेकिन मैं अब बेंगलोर कैसे पहुंचूं। बेंगलोर के बस मैंने देखना स्टार्ट किया तो जो भी बस थी वो 10 बजे 11 बजे रात में थे और सुबह में पहुंचा रहे थे 7 बजे 7:30 बजे। और एक बस मुझे मिली जो शाम के 6 बजे थी, 8 बजे थी या 6 बजे थी पता नहीं, पर रात के 2:30 बजे पहुंचा रही थी। बट मैं अकेले जाने में भी डर रही थी लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके बोला कि ठीक है जाते हैं क्योंकि मुझे अपनी दादी को लास्ट टाइम देखना था। दादी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दादी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ही प्यार किया है। तो यदि मैं नहीं जा पाती तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गिल्ट होता, इसलिए मैं ट्राई कर रही थी कि मैं जा पाऊँ। और मैं गई, फिर मैं वहाँ 15 दिन मैं अपने घर पे रही। तो फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैं अपने मतलब आफ्टर वेडिंग मैं अपने घर पे रही हूँ इतने टाइम। मैं आई थिंक
इन 5 ईयर्स में, 5 ईयर्स होने वाले हैं मेरे वेडिंग, 5 ईयर्स होने वाले हैं अब, इन 5 ईयर्स में मैं 1 या 2 रात से ज़्यादा कभी भी नहीं रही हूँ अपने घर पे, मतलब अपने मायके में। और इस टाइम पे मैं 15 डेज रही थी क्योंकि मैं मम्मी की हेल्प करना चाहती थी। ऐसे भी इस टाइम पे घर पे सब लोग आए, सब लोग चले गए, कोई भी नहीं रुका, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि मम्मी ही सब कुछ करती थी दादी के लिए। तो यदि सब लोग चले जाते, मैं भी चली जाती, तो उनका मतलब थोड़ा होता है ना कि इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है ऐसे टाइम पे, इसलिए मैं वहीं रुकी। और उसके बाद फिर दशहरा स्टार्ट होने वाला था, तो उस टाइम पे फिर मेरे हस्बैंड आए, उसके बाद फिर मैं ससुराल गई रांची, रांची में वहाँ पर फिर हम लोग 15 दिन रहे। अक्टूबर में हम यहाँ आए, 7 अक्टूबर को हम यहाँ पे वापस आए। आफ्टर वन मंथ तक मेरे पास जो भी वीडियोस थे, मैं 4 डेज में 5 डेज में अपने मेन चैनल पे डालती थी, ब्लॉग्स तो आने का सवाल ही नहीं था क्योंकि हम ब्लॉगिंग कर ही नहीं पा रही थी। और हाँ, क्या हुआ था कि हमारा घर जो गांव में, वो बहुत पुराना है, तो वो बारिश के सीजन की वजह से ना सीलिंग फुल गई थी और वो सीलिंग मेरे पैरों पे गिर गई। मतलब आधी रात में हम सोए हुए थे और अचानक से रात के 2:30 बजे ढड़ाम से पूरी जो, मतलब एक जगह की ना बहुत बड़ी चट्टान गिर गई, और बहुत बड़े बेड में, मतलब मम्मी उस साइड सोई थी, मैं इस साइड सोई हुई थी, और मैं कंबल ओढ़ के सोई हुई थी, और सिर्फ मेरा पैर जो है नीचे के पैर से बाहर थे, बाकी मैं पूरी कंबल ओढ़ के सोई हुई थी, और पूरा वो चट्टान मेरे ऊपर गिर गया। और मेरे जो पैर बाहर निकले हुए थे ना, वो पूरी तरह से छिल गए थे, और हड्डी के ऊपर भी गिरी थी चट्टान, तो उसकी वजह से, मतलब बाद में मुझे पता चला कि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है। वो अब तक यदि मैं लंबे टाइम तक खड़े रहती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है, खिंचाने लगती है हड्डी वगैरह। तो वैसा कुछ हो गया था घर पे, तो उसके बाद काफ़ी दिनों तक मेरे पैर भी जख्मी थे, मेरे पैर पूरे छिल गए थे, मतलब क्या बताऊँ मैं। वो उसके बाद बहुत बुरा हाल हो गया था मेरे पैरों का, तो वो हो गया। फिर हम रांची आए, रांची आने के बाद सारा कुछ ठीक होने के बाद वापस रांची से कोयम्बटूर आए हम लोग अक्टूबर में। मम्मी भी साथ में आई थी, मम्मी को फिर यहाँ आने के बाद मन ही नहीं लगे, मम्मी को पता नहीं यहाँ अकेले मन ही नहीं लगे, तो उनका मन बहलाने के लिए भी मैं उनके साथ थोड़ा रहती थी, इधर उधर ले करके जाती थी। फिर 1 मंथ के बाद मेरी सिस्टर भी आ गई, तो घर में जब ज़्यादा लोग होते हैं तो ज़्यादा काम भी हो जाते हैं, तो इसी वजह से ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही थी मुझसे। और फिर जब हम केरला गए, दिसंबर लास्ट में, और केरला में मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है। और उसके बाद फिर मम्मी लोग चले गए 4 जनवरी को, और फिर पूरे जनवरी, मतलब जस्ट वो लोग चले गए तो फिर घर का सारा काम, सब कुछ समेटना उमेटना, सारा काम खुद से करना है, तो उसमें मैं बिज़ी थी, तो सारा कुछ सेटल करने में टाइम लग गया। मतलब आप समझ सकते हो क्या 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 हो रहा था, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं कर पा रही थी। बट अब मैं नहीं भी तो वीक में 2 से 3 ब्लॉग जरूर करूँगी, कुछ ना कुछ आपके लिए जो इन्फॉर्मेटिव भी हो, वो सारी चीज़ें आपके लिए लाने की कोशिश करूँगी। एंड बस आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एंड जिसकी भी लिंक मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ, मैं प्रोवाइड कर दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हो अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए। एंड फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।